डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अर्न फेस थ्योरम। तो इस टॉपिक से को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस टॉपिक के अंदर जो थ्योरम जो अर्न फेस्ट ने दी थी, उसमें इसने दो चीज़ों को क्या किया था, रिलेट किया था। एक था मोमेंटम, ठीक है, और दूसरा था पोटेंशियल। अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो एक रिलेशन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो दिया जाता है E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V। तो डेल जो होता है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, एक तरह का ऑपरेटर होता है। और उसको अगर V जो कि एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें ना तो डॉट है ना क्रॉस है, तो इस तरह के ऑपरेशन को हम ग्रेडियंट यानी प्रवणता कहते हैं। तो E बराबर क्या था, माइनस ऑफ डेल V। और डेल V को अगर हम एक्सपांड करते हैं आइदर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तो हम इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल जेड। तो एक तरह से क्या हो गया कि पोटेंशियल का एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन किया जाता है तो नेगेटिव साइन के साथ जो रिजल्ट आता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। तो उसी तरह से अर्न फेस्ट थ्योरम में भी दो चीज़ों को रिलेट किया गया है कि इट रिलेट्स द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी किसके बारे में बात कर रहा है, एक तो पोजिशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर दैट इज एक्स, और दूसरा किसके बारे में बात कर रहा है, दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फोर्स। यानी एक तरफ इसमें फोर्स रहेगा, फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल वी बाय डेल एक्स है, क्योंकि हम मानेंगे कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी जैसे 1D और 3D होते हैं, तो हम यहाँ पर वन डायमेंशन लेके चलेंगे तो हम केवल एक डायरेक्शन मानेंगे, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। और दूसरी साइड हमारा क्या रहेगा, मोमेंटम, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, देखो एफ इक्वल टू माइनस ऑफ वी डैश, डैश का मतलब वही होता है डिफरेंशिएशन, जिसको हम ग्रेडियंट यानी प्रवणता कहते हैं, ऑन ए मैसिव पार्टिकल दैट इज मूविंग इन स्केलर पोटेंशियल, जिसको हमने केवल किसका फंक्शन माना है, एक्स का माना है। तो डेरिवेशन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एक रिलेशन से, जो कि हमें प्रूव करना है कि इट गिव्स अस द कनेक्शन टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी जो अर्न फेस्ट थ्योरम का जो रिजल्ट आता है कि इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जैसे हम इस वाले पार्ट को अगर हम रीडिंग करें, वर्ड में लिखें, तो क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज गिवन बाय अर्न फेस्ट थ्योरम। तो इसको हम अब डिराइव करते हैं कि इसमें डेरिवेशन यानी ये रिजल्ट हमें कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज बी गिवन बाय P इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार P कैप साई इंटू dx। अब ये जो साई है ये हमारा क्या है, एक तरह का श्रोडिंजर वेव फंक्शन है। तो श्रोडिंजर के अंदर भी दो टाइप के फंक्शन होते हैं, हम जानते हैं कि एक टाइम डिपेंडेंट होता है और एक टाइम इंडिपेंडेंट होता है। और वहाँ पर जो रिलेशन आता है उसमें भी हम साई ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर वो वन डायमेंशन है तो मान लेते हैं कि x, और अगर वो थ्री डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड, जिसको हम ओवरऑल रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेव फंक्शन है उसके वीडियो पे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जो कि आप जाके रेफर कर सकते हैं। अब साई जो है और साई स्टार है, तो स्टार जब भी लगाया जाता है तो ऑब्वियस है कि वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। यानी अगर हम एक में आयोटा यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे में क्या यूज़ करेंगे, माइनस आयोटा। तो कंसिडर इट इज़ इन वन डायरेक्शन, जैसा कि हमने बोला था कि क्योंकि ये तीन डायरेक्शन में भी माना जा सकता है, लेकिन हम यहाँ कितनी डायरेक्शन लेंगे, केवल एक डायरेक्शन लेंगे। तो हम कौन सी डायरेक्शन मान रहे हैं यहाँ पर, एक्स डायरेक्शन। तो ये पी कैप है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स से, यानी केवल हमने एक डायरेक्शन मान ली। अब ये पी कैप की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन अब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे इसमें अब, वो अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा माइनस आयोटा एच क्रॉस है, ऑब्वियस है एक्स के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो एज ए कॉन्स्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो पी वाली जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलते हैं तो इसको क्या करेंगे, हम
ओवर द पीरियड टाइम के लिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई वो पी कैप की आई है। तो डी बाई डी टी लगा दिया और इसमें भी डी बाई डी टी लगा दिया, तो एक तरह से हम देखते हैं तो आयोटा एच क्रॉस बार रह जाएगा, यहाँ डी बाई डी टी लग जाएगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन लिमिट है ही है, अंदर की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। अब ये जब डी बाई डी टी अंदर जाएगा तो ये तो कम्प्लीट डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यानी आंशिक। तो आंशिक जो होता है वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा पैरामीटर पे डिपेंड करती है तो वहाँ पर आंशिक अवकलन का यूज़ होता है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, और कोई वैल्यू अगर एक ही पैरामीटर पे डिपेंड करती है तो वहाँ आता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि ये एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और टी पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये जब इंटीग्रेशन के लिमिट जब अंदर जाएगी डी बाई डी टी तो क्या बन जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पर u इंटू वी का कंसेप्ट लगाया जा सकता है, तो सबसे पहले हमने साई स्टार का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डेल साई स्टार बाय डेल टी डेल साई बाय डेल एक्स एज इट इज, उसके बाद साई स्टार एज इट इज और डेल बाय डेल टी ऑफ डेल बाय डेल एक्स। अब यहाँ पर जो x और t है दोनों कैसे हैं, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या करा है, देखो यहाँ लिखा हो तो डेल बाई डेल टी है, लेकिन हमने बाहर क्या लिखा है, यहाँ डेल बाई डेल एक्स लिखा है, तो ऐसा लिखा जा सकता है डेट डिपेंड्स कि भाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी दोनों का ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हम यूज़ करेंगे जो हमारी इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि वैल्यू क्या होती है, जिसकी माइनस एच एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। साई हमारा वेव फंक्शन है, एक्स हमारी डायरेक्शन है, वी हमारा पोटेंशियल है, एम मास है और एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। अब यहाँ पर डेल साई बाय डेल टी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं जो कि हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो डेल साई बाय डेल टी की वैल्यू के लिए जो आयोटा एच क्रॉस है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे आ गया यहाँ पर। अब वन अपॉन आयोटा हम जानते हैं कि क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, तो आयोटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच क्रॉस माइनस एच स्क्वायर बाय टू एम डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। अब ये माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आयोटा एज इट इज, एक एच क्रॉस क्या हो जाएगा, कम, यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साई और साई स्टार, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि साई और साई स्टार दोनों वेव फंक्शन है और दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो डेल साई स्टार बाई डेल टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस आयोटा डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू आयोटा एच क्रॉस टू टू एम डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा बाई एच वी साई। तो इससे अगर हमें, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, ये वैल्यू है डेल साई बाई डेल टी की, और हमारा जो ये एक्सप्रेशन आया था इनिशियली इसमें डेल साई बाई डेल टी भी है और डेल साई स्टार बाई डेल टी भी, यानी ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए, तो ये वैल्यू तो हम निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, साई स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमें जस्ट क्या करना है, जहाँ आयोटा लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देना है, माइनस आयोटा, और जहाँ साई लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देना है, साई स्टार। तो क्या होगा, देखो यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस हो गया, साई की जगह साई स्टार आ गया, या माइनस था यहाँ प्लस हो गया, साई की जगह साई स्टार आ गया, तो हमारे पास डेल साई बाय डेल टी की वैल्यू भी आ गई और डेल साई स्टार बाय डेल टी की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड के अंदर, जो कि हमारी ये इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन। अब इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे हम, तब हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो किस तरह से नजर आएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज माइनस आयोटा एच स्टार, और ये वैल्यू हमने रख दी डेल साई स्टार बाय डेल टी की मल्टीप्लाइड बाय डेल साई बाय डेल एक्स था, और ये वैल्यू हमने रख दी डेल साई बाय डेल टी की। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली हुई है, तो यहाँ पर जो माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई टू एम है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, तो ये हम लेके आ गए, तो अंदर क्या बचा, डेल टू साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये वाला डेल साई बाय डेल एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो वैल्यूज है, जैसे ये वी है, ये वी है, उसी तरह से ये डेल टू साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर है, ये डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू साथ में आ जाए और ये दोनों वैल्यू साथ में आ जाए, यानी वी वी वाली वैल्यू साथ में आ जाए और जिसमें वी नहीं है एक तरह से, यानी आयोटा एच स्क्वायर बाय टू एम है, वो वैल्यू साथ में आ जाए। तो हमने यही किया है कि माइनस आयोटा एच क्रॉस ये दोनों वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू में, तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ये वैल्यू अगर बाहर आ जाती है तो यहाँ ये बचेगा मल्टीप्लाइड बाय डेल साई बाय डेल एक्स, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास साई स्टार डेल बाय डेल एक्स डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स,
तो साई स्टार अंदर चला गया और ये जो वैल्यू है डेल बाय डेल एक्स भी अंदर चली गई। उसी तरह से यहाँ वी साई के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या है, आयोटा बाई एच है, माइनस आयोटा एच क्रॉस जो है वो तो सबके साथ ही बाहर है, दोनों के साथ है वो, तो आयोटा बाई एच यहाँ पे भी, आयोटा बाई एच यहाँ पे भी है, तो यहाँ आयोटा बाई एच अगर बाहर आता है तो यहाँ क्या बचेगा, वी साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स, और यहाँ पर अगर आयोटा बाई एच बाहर आता है तो माइनस साइन के साथ साई स्टार वी साई डेल बाई डेल एक्स ऑफ डी एक्स। तो इस तरह से हमने दोनों को सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट वैल्यूज के लिए जब जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो टर्म है ये हमने एज इट इज़ लिख दी है। अब यहाँ पर अगर इसको दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। यहाँ देखते हैं तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, और एच स्टार से एच स्टार भी क्या हो गया हमारे यहाँ पर कैंसिल आउट। तो इस तरह से यहाँ पर एज इट इज़ एक तरह से वन बच गया, यानी कोई भी वैल्यू बाहर नहीं बची। तो ये रिजल्ट आ गया। तो हमने केवल बाहर वाले को सॉल्व किया इन दोनों को और यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गए हम तो डेल टू साई बाई डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स इसको एज इट इज़ रखा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यू इंटू वी लगा रहे हैं। तो यू इंटू वी अगर लगाते हैं तो साई स्टार एज इट इज़, वी का एक बार किया तो साई एज इट इज़, फिर साई का एक बार किया तो वी एज इट इज़। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। उसके बाद में लास्ट में जब हमारे पास रिजल्ट बचा हुआ है तो रिजल्ट क्या बचा हमारे पास कि डी बाई डी टी माइनस एट क्रॉस का स्क्वायर बाई टू एम, ये जो बचा हुआ था ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी हुई है दोनों, ठीक है। और ये जो टर्म बची है हमारे पास, ये हमारी क्या कहलाती है, डेल वी बाई डेल एक्स विथ नेगेटिव साइन, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल का ग्रेडियंट होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो टर्म हमारी बची है विद मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, इस पूरे को हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स विच इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर इस वाले टर्म को रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास केवल ये वाली टर्म बची हुई है जिसको हमें सॉल्व करना है। अब इसमें से हम पहले क्या करेंगे, ये जो टर्म हमारे पास इक्वेशन नंबर जो हमने थ्री नाम दिया है, इसमें जो सेकेंड टर्म है इसको हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हमने क्या करा है, यहाँ पर ये जो सेकेंड टर्म है जो हमने मेंशन भी किया हुआ, सेकेंड टर्म इन इनसाइड इंटीग्रेशन उसको मेंशन किया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी हम जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी बराबर यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू और इंटीग्रेशन ऑफ वी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, साई स्टार को हमने बाहर लिख दिया, एक तरह से साई स्टार को हमने यू मान लिया और इसको वी मान लिया, तो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यानी साई स्टार का डिफरेंशिएशन और वी का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। तो अब क्या बचेगा, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर और लिमिट क्या बचेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखते हैं तो डेल बाई डेल एक्स और डी एक्स क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर डेल साई बाई डेल डेल स्टार बाई डेल एक्स ये तो बाहर था, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स आ गया। अब इसके बाद में जो हमारे पास बचा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि वेव फंक्शन जब भी होते हैं तो वेव फंक्शन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ क्या होती है, लिमिटेशंस होती है। वो लिमिटेशन हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं कि जो भी वेव फंक्शन हो, जैसे साई और साई स्टार हो, अगर एक्स की लिमिट या वाई की लिमिट या जेड की लिमिट प्लस माइनस इन्फिनिटी तक जाती है तो उस केस में उस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैनिश यानी ख़त्म हो जाएगी। तो साई विल बिकम जीरो, यानी साई का मान क्या हो जाएगा, जीरो। साई का डेरिवेटिव हो डेल साई बाई डेल एक्स, या फिर साई स्टार हो, या फिर साई स्टार का डेरिवेटिव हो डेल स्टार डेल साई स्टार बाई डेल एक्स, सब की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। कब, जब लिमिट क्या हो जाती है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारी क्या होती है, इस फंक्शन के लिए लिमिटेशन। तो हमने यही मेंशन किया है कि वेव फंक्शन मस्ट गो टू जीरो व्हेन द लिमिट गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑन वेव फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो अब हमारे पास कौन सा पार्ट बचा, केवल ये वाला पार्ट। तो ये जो वैल्यू आई है, ये सेकेंड टर्म की जो इनसाइड इंटीग्रेशन था हमारा जिसको हमने लिया था, उसका रिजल्ट आया ये। तो ये जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हमारे जो इक्वेशन नंबर थ्री थी, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर हम इस सेकेंड टर्म की जगह पुट कर देंगे। और ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव साइन है और हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव आया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फिर से हम इसी इक्वेशन को लिख रहे हैं, केवल ये जो रिजल्ट हमने अभी सॉल्व किया है उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास,
कि d बाई डी टी यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज माइनस एच स्क्वायर बाई टू एम, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकेंड टर्म का जो रिजल्ट आया वो माइनस में था और ऑलरेडी वहाँ माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये ग्रेडियंट चल ही रहा है हमारा। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तरह से ये क्या बन सकता है, देखो डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल साई स्टार बाई डेल एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, यानी क्या मतलब हुआ कि यू इंटू बी अगर हम लगाते हैं तो जैसे यू इंटू बी लगाएंगे तो क्या होगा, देखो पहले अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो गया ये एज इट इज़, उसके बाद ये एज इट इज़ और सेकेंड वाले का डबल डिफरेंशिएशन, तो एक तरह से ये किसका फॉर्मूला बन गया, यू इंटू वी का। फिर से क्या कर सकता है, देखो यहाँ डेल एक्स से डेल एक्स क्योंकि दोनों एक ही टर्म के लिए डिफरेंशिएट हो रहे हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, भले वो पार्शियल है और ये कंप्लीट है लेकिन सिमिलर है इसलिए वो आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो फिर से यहाँ पर लिमिट क्या बच गई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि साई हो या साई स्टार हो या साई का डेरिवेटिव हो डेल साई बाई डेल एक्स या साई स्टार का डेरिवेटिव हो, सबकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है अगर लिमिट जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाती है। इसका मतलब इस वाली टर्म की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस वाली टर्म की वैल्यू जीरो हो जाती है तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स जो कि क्या है, एक तरह का ग्रेडियंट है ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट है ऑफ पोटेंशियल जो कि एक तरह से, और ये वाला जो साइन है ये क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या चल रहा था, डी बाई डी टी ऑफ पी। तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं लास्ट में कि टाइम रेट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, यानी अगर समय में परिवर्तन की दर के साथ जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मोमेंटम की होती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव ग्रेडियंट यानी ऋणात्मक प्रवणता किसकी, पोटेंशियल यानी विभव की विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन यानी स्थिति के समान होती है। तो ये जो हमने डिराइव किया है अनफेस थ्योरम जो कि हमारा प्रूफ है, ये सिमिलर किसके है, ये सिमिलर है न्यूटन सेकंड लॉ के जो कि किसको रिलेट करता है, फोर्स को किससे रिलेट करता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम से। तो एक तरह से अनफेस थ्योरम के अंदर जो रिजल्ट आता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम अनफेस थ्योरम को डिराइव कर सकते हैं जो कि लास्ट में समराइज कर देता हूँ कि जो कि क्या कहती है कि टाइम रेट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को डिराइव कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।